नारायण नारायण दोस्तों, थर्ड डायमेंशन के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कृष्ण गोपाल राजपुरिया वानप्रस्थ आश्रम के संचालक श्री योगेंद्र जी राजपुरिया से। आइए दोस्तों, मिलते हैं और जानते हैं वानप्रस्थ आश्रम का थर्ड डायमेंशन। नारायण नारायण। नारायण नारायण, स्वागत है आपका हमारे शो थर्ड डायमेंशन में। जैसा कि मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि हमारा थर्ड डायमेंशन जो पॉडकास्ट है, इसमें हम लोगों को एक तृतीय आयाम देने की कोशिश करते हैं। हम हर फील्ड से लोगों को बुलाकर उनका इंटरव्यूज कर रहे हैं। हम लोगों को, ये आम जनता को, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज के दो पहलू के अलावा एक तीसरा पहलू भी होता है, जो कि आपके विकास के लिए, जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है, जो आपके विकास को सही राह दिखा सके। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, आप इतना बड़ा सेवा का कार्य कर रहे हैं, बुजुर्गों को कंपनी प्रदान कर रहे हैं एक ओल्ड एज होम चलाकर, तो उसके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती थी कि जैसा आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो कोविड का माहौल चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं वो बड़ों की, मतलब बुजुर्ग लोगों की हेल्थ को लेकर ही है। सबसे ज्यादा हमें बुजुर्गों को ही सेफ और सुरक्षित रखना है। हम जब घर में एक बुजुर्ग को सेफ और सुरक्षित रखना हमारे लिए मुश्किल का काम हो जाता है, उनको समझाना हमारे लिए मुश्किल का काम हो जाता है। ऐसे में इतने सारे बुजुर्गों को आप संभाल रहे हैं, तो किस तरीके से आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए हैं और किस तरीके से आप हमें संभाल रहे हैं और किस तरह से बुजुर्गों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस देंगे सर? धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। ये आश्रम हमारा 2003 में शुरू हुआ था और तब से इसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ती गई। आज हमारे पास 125 सीनियर सिटीजन वास करते हैं, जिसमें महिलाएं कुछ ज्यादा हैं पुरुष की तादाद में। जब ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई, तब करीब 20 मार्च से ही हमने हमारे निवासियों को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आप लोगों को बाहर नहीं जाना है। सबको कंप्लीट हमने एकदम क्वारंटीन कर दिया था कि आपको बाहर किसी भी काम से नहीं जाना है, जो भी आपकी आवश्यकता होगी हम पूरी करने की कोशिश करें। और वो चीज हमने करीब करीब जुलाई एंड तक हमने कंटिन्यू की। अभी भी हम कोई बहुत जरूरी काम हो तो ही उनको बाहर जाने देते हैं, वरना उनकी हर जरूरत महिला मंगा के पूरी करते हैं। उनके निवासियों के घर के रिश्तेदार, परिवार के लोग बराबर आके मिलते थे, लेकिन हमने उनको भी रोक दिया कि आपको हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। तो बाहर से भी कोई उनके रिश्तेदार नहीं आए, फोन पे उनकी खबर लेते रहे। और अभी एक महीने पहले हमने जब उनको अलाउ किया, हमने ये कहा कि आपके रूम में नहीं जाने देंगे, बाहर आप उनसे आके मिल लीजिए, एक कॉमन प्लेस है वहां पर आके मिल लीजिए। हमने नए एडमिशन भी नहीं दिए कि बाहर ये तो कैसे होगा, बहुत थी लेकिन हमने नहीं दिए, जो कि 1 जुलाई से हमने शुरू किए। इस बेसिस पे कि बहुत जरूरतमंद है, सब ठीक है, देख के फिर देंगे। और उनको 14 दिन सेपरेट रखेंगे। अच्छा। हाँ, एक सेपरेट जगह पे रखेंगे, उनका रोज वॉच करेंगे, सब कुछ वहीं, उनको खाना पीना देंगे और बाद में उनको जो जगह अलॉट की है वहां पर उनको अलाउ करेंगे। तो इस तरह के सारे प्रिकॉशन जब हमने लिए, तब हम पिछले 5 महीने से इतना कह सकते हैं कि हमारे सब निवासी सुरक्षित रहे। स्टाफ भी, जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है वो बाहर से आता था, उनको भी हम किया था, निवासियों को कहा कि आप अपने रूम में झाड़ू पोछा खुद कर लीजिए, कपड़े अपने आप धो लीजिए, लेकिन वो 1-1.5 महीने में थक गए, ये काम नहीं होता है। तब हमने उनको कुछ लोगों को अलाउ किया और ये कह के किया कि जब वो काम करते हैं तब आप रूम में से बाहर आ जाइए, उनके संपर्क में मत आइए। हमारा जो किचन का रसोई का स्टाफ है वो सब है और कहीं बाहर नहीं जाता कोई काम से। हमारी खुद की गौशाला है, देसी गायों का दूध हमने उनको पिलाया, थोड़ी बहुत सब्जी भी हम उगा लेते हैं, या सेफली जो जो चीजें मंगानी वो मंगा के हमने उनको खिलाई और इस तरह से उनकी हमने रक्षा करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राजपुरिया जी, मुझे एक चीज और बताएं कि आजकल कैसा हो रहा है, जैसे मैं घर में ही देखती हूँ कि मास्क जो हम लगाते हैं उससे हमें सफोकेशन सा फील होता है, तो ऐसे में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं आपके यहाँ, तो उनको भी आपने मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह की क्या व्यवस्था की उनके साथ? आपको भी इस तरह के इश्यूज आए क्या?
हमने पहले दिन से ही सब डिसइंफेक्शन की मशीनें, हैंड सैनिटाइजर की चीजें, छोटी बॉटल हैंड सैनिटाइज की, मास्क, ग्लव, सब चीजें वहां को प्रमाण में ले जाती, वहां रख दी गर्म पानी की, और मास्क उनको दो दो मास्क दिए कि आप अपने रूम में भले मत लगाइए लेकिन रूम से बाहर आएंगे भोजन करने के लिए भी आप आते हैं तो आप वो मास्क लगा के आइए, और आपस में एक दूसरे से डिस्टेंसिंग कर दी हमारे भोजन ग्रह में भी बैठने के लिए, एक दूसरे के बीच में 4 फुट का डिस्टेंस रहे, टेबल पे 4 लोग बैठते थे, 2 लोग बिठाए, और उस तरह से सब उनको, मैं और मेरी पत्नी हम ये देखते हैं इसका मैनेजमेंट पूरा। तो हम 15 दिन के लॉकडाउन के पीरियड में भी गए वहाँ पर, जाके उनकी हम मीटिंग लेते थे, उनको सारी जानकारियां देते थे, उनको उनका मॉरल ऊंचा रहे वो कोशिश, हाँ। कि उनको कहीं भी उनको कोई तरह का मन में ये नहीं आए कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है या बाहर नहीं जाने दे रहा है। मैं हमारे मैनेजर को वगैरह को इंस्ट्रक्शन दिए, इनको गेम्स वगैरह खिलाओ, इनको कोई तरह से बिजी रखो, मूवी दिखाओ, गाने वगैरह का प्रोग्राम करो, खिलाओ। तो उस तरह से महाराज को इंस्ट्रक्शन दिए कि अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाओ, इनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये चीज हमको नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, राइट। नॉर्मल में हमारे यहाँ पे नया भोजन, हमारी एक टीम है उसके अंतर्गत लोग जन्मदिन वगैरह मनाते हैं यहाँ पे, अच्छा कुछ ना कुछ होता है, तो अभी नहीं हो पा रहा है तो अपने करो, हर हफ्ते उनको अच्छा कुछ बना के खिलाओ, चाट पार्टी करो, डोसा पार्टी करो, ये करो। तो उस तरह से हमारे निवासी सब सेटिस्फाइड, उनसे जब बात करते थे हम तो यही कहते थे कि आप बाहर का हम सुनते हैं कैसी कैसी पोजिशन है, लेकिन आपने हमको इतना संभाल रखा है, इसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं, सच्ची ब्लेसिंग्स ले रहे हैं आप लोगों की। सर हम मुझे एक चीज और बताएं कि इस दौरान में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको किसी भी तरीके के कुछ कुछ छोटे छोटे इश्यूज होंगे कि कुछ बीमारियां, बुजुर्ग हैं तो कुछ कुछ चलता रहता है, कभी सर्दी खांसी, इस तरह के कुछ इश्यूज जो आए उनसे किस तरह से डील किया आपने? क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह से मिलना आप बाहर नहीं भेज रहे, तो क्या आपके पास इन हाउस डॉक्टर्स रहते हैं? और आप क्या जो घर में बुजुर्ग हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि इस तरह की चीजों से किस तरह से बचा जा सकता है? हम उनको सबको यही कहते थे कि भाई आप लोग खान पान का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, चलने फिरने का ध्यान रखिए, कहीं आपको चोट नहीं आ जाए, गिर नहीं जाए, फ्रैक्चर नहीं हो जाए या लूज मोशन या ऐसा कुछ नहीं हो जाए, तो पूरा वो लोग ध्यान रखते थे। बहुत कम ऐसी जरूरत आई, हमारी एम्बुलेंस है और हमारे नजदीक में उत्तन में छोटे छोटे 2 नर्सिंग होम है जो कि हमारे निवासियों को देख लेते थे, तभी डॉक्टर को इमरजेंसी में हमने हमारे यहाँ बुलाया तो वो भी आए और देखा उन्होंने, और इस बीच में हमारे यहाँ ज्यादातर निवासियों की तबीयत अच्छी रही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक डेथ हुई और कोई बाकी ऐसे, और 100 लोगों को हमें हेल्थ ग्राउंड पे घर भेजना पड़ा। मतलब आप ये बुजुर्गों के लिए आपकी ये राय, आप ये राय देना चाहते हैं कि अपने ही कमरे में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जितनी अपनी सुरक्षा करेंगे उतना बेहतर है। तो उन्होंने उसका पालन भी किया, ओके, और मास्क वगैरह लगा के रहते थे, हाथ सैनिटाइज करते थे, हम उनका 2 टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, अगर किसी को 1-2 जन को सांस लेने में दिक्कत हुई हम उनको ऑक्सीजन वगैरह लगा के दी, सब तरह की दवाइयाँ हम रखते हैं जिससे कि इन हाउस मतलब बने वहां तक उनको बाहर नहीं जाना पड़े हाँ। तो आपके यहाँ ये जो वायरस से किसी को प्रभावित हुआ कोई, क्या वायरस से? नहीं, हमारे यहाँ। गुड, वेरी गुड। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जब पूरी दुनिया में ये शोर मचा हुआ है कि 60 साल से ऊपर के लोगों को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ऐसे में ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात आपने बताई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर, ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि बुजुर्गों को ये समझ में आएगा कि भाई आप अगर बेहतर तरीके से अपना अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं तो इस वायरस से आराम से बचा जा सकता है। यही हमारा सुझाव है कि लोगों को, मेरे पिताजी कुछ 89 ईयर्स ओल्ड हैं जिनके नाम आश्रम है, हाँ जी, हम साथ में ही रहते हैं, तो मैं पिताजी की जीवन शैली और सब देखता हूँ, कितना भी अपना अपना ध्यान रखते हैं, खाने पीने में बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, और हर तरह से उनका देख के वो मैं हमारे वहाँ के निवासियों को बताता हूँ कि देखो आप लोग भी अगर डायबिटीज है तो मीठा मत खाओ,
जितनी भूख है उसे थोड़ा कम खाओ, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, सेफ्टी चलते रहेंगे। तो उन सेफ्टी के कारण से ज्यादातर लोग 95% लोग पालन करते हैं। वेरी गुड राजप्रिया जी, मुझे एक चीज और आप बताएं कि इस दौरान जो समय जो चल रहा है इसमें जैसे आपने बोला खान पान का विशेष ध्यान रखना, तो खान पान में एक तरफ आपने बोला कि हमने लोगों को अपने रसोइयों को बोला उनको अच्छी चीजें बनाकर खिलाओ, लेकिन अच्छी चीजों में बहुत सारा तला भुना और इस तरह की चीजें आती है, तो किस तरीके का अच्छा भोजन आप उनको प्रोवाइड कर रहे थे? क्या आप उनको काढ़े वगैरह जैसी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे? क्या लेना उनके लिए जो सारे लोग सुरक्षित हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसने उनको इस सुरक्षा में बहुत ज्यादा योगदान दिया? बहुत सही कहा आपने, हमने हमारे 350 में ही काढ़ा, बहुत अच्छा काढ़ा बनकर तैयार हुआ। करीब करीब 2.5 लाख बोतलें जमा लोगों को दी जा चुकी है। हाँ जी, तो काढ़ा हमने मंगा के उनको और पिलाया रात को, काढ़ा उनको भोजन के बाद में देते थे रात को एक ही टाइम। पतंजलि पतंजलि की जो गिलोय वटी है मार्च के महीने में ही मंगवा ली थी, उसने दे दी थी कि रोज आपको एक गोली नियम से ये लेनी है। तो गिलोय वटी आज भी हमारे निवासी रोज एक गोली ले रहे हैं। अच्छा, अब तक हमने कम से कम 2-2.5 हजार गिलोय वटी हमारे निवासियों को दे दी होगी। यानी हम भी अपने घर के बुजुर्गों को गिलोय वटी वगैरह दे सकते हैं। ओके, मैं खुद 5 महीने से ले रहा हूँ, बहुत अच्छा। ओके, गुड गुड। आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आपने इनके एंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी थी, तो इस वक्त ये सारा आपका इन हाउस हो रहा था या इतना कुछ होने के बाद भी जो लोग या आपके यहाँ टीवी वगैरह लोग बुजुर्ग सुनते थे क्या, तो उससे कुछ इफेक्ट आता था जब वो ये सुनते थे इतना ऐसा हो गया, इतने लोग की कैजुअलिटीज हो गई, तो इन सब चीजों ने उनको डिप्रेशन या इस तरह की चीजें विकसित हुई क्या लोगों के भीतर? हाँ, वो टीवी तो बहुत हमारे हर एक रूम में टीवी लगे हुए हैं। हाँ जी, पर भी आ रहे थे तो वो कहते थे कि ऐसा है, देखिए बाहर ऐसा है, तो हम उनको यही समझाते थे कि बाहर जो भी है होने दीजिए, आप लोग सेफ हैं, आप अपनी सेफ्टी, इस तरह से किले के अंदर हैं और आपको कोरोना कुछ नहीं करेगा, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, आप लोग सकते। तो उनमें बड़ी हिम्मत आती थी और वो उस तरह से ही सेफ्टी रही। जैसे आपने कहा कि आप और आपकी वाइफ 15-15 डेज में यहाँ आते थे, तो आप जब बाहर से आ रहे तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करते थे आप अपने आगे? क्या आप पीपीई किट या इस तरह का कुछ यूज करते थे? किस तरह से आप अपना आने जाने का वो रखते थे कि इतना माहौल ऐसा है तो और इतने लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो उसमें क्या आपने प्रिकॉशंस रखे? हमें वहां जाने के बाद हम भूल जाते थे कि मुंबई में या देश में कोरोना है। ओके, वो हमारे इतने नजदीक आ जाते थे, हम उन्हें कहते थे कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखिए, आपको यहाँ सेफ है लेकिन मैं बाहर से आया हूँ, इसके लिए हो सकता है मैं कैरियर हूँ, आप बाहर रखिए, लेकिन मेरे लोग एकदम नजदीक आ जाते थे और हमें स्नेह देते हैं बहुत। तो और उनको तो वहाँ अभी हमारे यहाँ गणेश भी आए, गणपति विसर्जन हुआ। अरे वाह, गणपति भी लाए थे आप लोग? तत्काल लाते हैं 5 दिन। अच्छा अच्छा, उत्सव होता है, लोग गरबा करते हैं, आरती होती है, गेम्स वगैरह। हमारे ही वहाँ पे कुंड में हमने विसर्जन किया, एक घंटे तक वो विसर्जन का कार्यक्रम था, इतना उसको एंजॉय किया। उसका वीडियो भेजूंगा, तो इतना सुंदर मतलब आयोजन हुआ। तो वो हर चीज को हर त्योहार मनाई, जिसने जन्माष्टमी आई तो 15 अगस्त आया, जो भी उत्सव आए सब लोगों ने खूब अच्छे से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सुरक्षा का पालन करते हुए उनका तो वही घर है, घर में जैसे right, तो ही मनाते हैं, सब करते हैं। महिलाएं ज्यादा एक्टिव है, उत्सुक रहती है। हाँ, एक बार मेरा जाना आना हुआ है आपके वहाँ, तो मैंने देखा है काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और काफी लोग काफी एक्टिव हैं। मैं राजपुरिया जी आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, क्या ऐसा भी हुआ कि जो लोग यहाँ कई सालों से रह रहे थे, जो कोरोना की स्थिति आई जहाँ लोगों ने सुना ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या उनमें से कुछ लोगों ने ये भी डिमांड की कि हमें घर जाना है, अपने घर वापस जाना है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं घर से नहीं गया और सब वहीं पर रहे, और नए हमने एडमिशन दिए नहीं, लेकिन जो निवासी थे वो सब वहीं रहे। सिर्फ एक डेथ हुई और एक या दो लोगों को हेल्थ ग्राउंड पे हमने उनके घर वालों को रिक्वेस्ट की, इनको आप ले जाइए, तबियत इनकी ज्यादा खराब है, क्योंकि इस समय अस्पताल में एडमिट कराना
समस्या है, और बिल्कुल वो इस तरह के टेस्ट वगैरह बोलते हैं कि किसी एक जन को वहां बैठना चाहिए। तो पहले भी हमारे यहाँ जल की जरूरत आती थी, हमारे चार छह निवासी ऐसे हैं जो वहाँ तीन तीन चार चार घंटे जाके बैठ जाते हैं, घर वाले नहीं आए तब तक वो सब उनको देखते हैं, समाज में आपस में सहयोग करते हैं, लेकिन इस समय तो वो भी संभव नहीं था, किसी को बाहर ही नहीं जाने दे रहे, तो दो लोगों को हमें घर भेजना पड़ा। बाकी हम सभी लोग वैसे ही रहे, कोई ने भी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ परेशान हो गया हूँ। मुझे जाने हैं। इतना मेरे पास जो बाहर की इंक्वायरियाँ आती थी फोन पे, वो इंक्वायरी आती थी कि वो 85 बरस के हैं, 90 बरस के हैं, घर में उनको संभालने वाला कोई नहीं है, जो मेड सर्वेंट आती थी वो आ नहीं पा रही है, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, हैं तो आप उनको प्लीज ले लीजिए। यही कहते थे कि अभी हमने एडमिशन बंद कर रखा है, खोलेंगे तो। हमारे यहाँ पे बेड रिटर्न की भी सुविधा है जिसमें अच्छा जिसमें हम अटेंडेंट प्रोवाइड करते हैं और सर्विस देते हैं पीने की सर्विस, और वो लेडीज अटेंडेंट जेंट्स अटेंडेंट उनका पूरे टाइम ध्यान रखते हैं। तो उसमें भी ग्रेट हमारा फुल रहा, आज भी फुल है, एक भी ग्रेट उसमें खाली नहीं रहे, क्योंकि ऐसी सुविधा लोगों को इतने कम चार्ज में कहीं पर नहीं मिलती है जो कि हम दे रहे हैं, तो उसमें हमारे यहाँ पे डिमांड ज्यादा है। अच्छा, इस दौरान में क्या ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, अभी तक तो ठीक था लेकिन अभी ये कोविड की सिचुएशन है तो हम अपने जिनको हमने यहाँ रखा हुआ पेरेंट्स जो भी हमारे हैं उनको हम वापस ले जाने वाली, ऐसी सिचुएशन भी क्या किसी किसी ने आपको कॉल किया कि हमें वापस ले जाना है, इनको इस तरह की बात आई क्या? कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ, एक भी केस ऐसा नहीं हुआ, और सबने, क्योंकि वो अपने निवास घर वालों से जब बात करते थे तो हमें कहते थे कि हम हमारा बहुत ध्यान रखा जा रहा है, तो अच्छा, बाहर से तो हमारा बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो लोग संतुष्ट थे। इसके लिए किसी ने अगर यही कहें कि नहीं हमको जाना है यहाँ, तो घर वाले भी लेके जाएंगे, लेकिन किसी ने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की, ज्यादातर सब जरूरतें वहाँ पूरी हुई, बोल के सब लोग नहीं पढ़ते। सर मुझे एक चीज बताएं कि किस तरीके के लोग आपके यहाँ, आप लोग उनको एडमिशन देते हैं, किस तरीके के बुजुर्गों को आप अपने यहाँ रखते हैं? जैसे आपने कहा कि अभी तक लोगों को जितना कॉन्सेप्ट है कि ओल्ड एज होम में वही लोग रहते हैं जिनके परिवार का कोई नहीं होता, लेकिन जिस तरह से हमने जितनी भी कन्वर्सेशन की उसमें परिवार वर्ड बार बार यूज हो रहा है कि परिवार है उनका, तो मतलब ये लोग अपनी कंपनी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं या इसके लिए आए हुए हैं कि उनका घर में कोई देखभाल करने वाले, क्या रीजन है उनके यहाँ रहने के? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, कई तरह के इसमें कारण होते हैं, अलग अलग कारणों से लाते हैं लोग, लेकिन हमारी पहली कंडीशन यही रहती है कि परिवार में से कोई भी अगर उनका केयर टेकर है तो हम उनको लेते हैं, वरना जब कोई नहीं होता है उनको हम नहीं लेते, क्योंकि जब कभी कोई इमरजेंसी आती है तो फिर टेंशन हो जाता है, उनका कौन देखेगा कौन करेगा, समस्याएं आती है, इसलिए हम केयर टेकर के नाम लेते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर यहाँ से बुलाया जाएगा तो आप तुरंत आएंगे। और जहाँ तक एडमिशन का की परिस्थितियों का सवाल है, कई तरह के केस होते हैं, जैसे एक हुआ कि किसी ने शादी नहीं, महिला है या पुरुष है, तो तब उनकी 60-65 साल तक उन्होंने काम किया, उसके बाद काम के लायक नहीं रहे, रिटायर हो गए, तब उनका भाई या उनके जो भी रहते हैं वो देखते हैं उनको, लेकिन जब उनकी आगे की जनरेशन आ जाती है तो नहीं उनको एडजस्ट कर पाती है, तो लोग हमारे यहाँ से राह पकड़ते हैं, या फिर पति या पत्नी में से एक जन नहीं रहा, बेटियां हैं, बेटियां जाके रहना नहीं है, ये रहती है कि माँ अकेली रह रही है, कैसे भोजन खाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे, तो फिर वो वैसे लोगों को हमारे यहाँ। अच्छा, कुछ कुछ चार्जेस भी हैं आपके यहाँ, किस तरीके से आप चार्ज करते हैं लोगों को? चार्जेस है, फ्री का कोई भी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन चार्जेस मोस्ट सब्सिडाइज चार्जेस हैं, हम हमारे 3,500 रुपये चार्ज लेते हैं किसी मास, फिर उसके ऊपर 4,000 है, ऊपर 5,000 है, ओके ओके, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, उनका सब इंतजाम करता सारा भोजन और कपड़ों की धुलाई साफ सफाई जो भी कुछ है करके, वो सब इसमें कवर हो जाते हैं, कोई भी चीज का फिर
100 रुपया भी इनके अलग से चार्ज नहीं होता। और क्या खा, हमारी कोशिश यही रहती है कि इस चार्ज में हम उनको अधिक से अधिक और क्या दे सकते हैं, क्या उठा। आपके यहाँ की और आपका ओल्ड एज होम, जैसे आपने मुझे बताया, मुझे समझ में आया कि एक ओल्ड एज होम वैसे होते हैं जहाँ जिनका कोई नहीं है उनको रखा जाता है, एक आपका इस तरह का ओल्ड एज होम जहाँ आपको आप चार्ज करते हैं, इसका रीजन आपने क्यों ऐसे चार्ज करना रखा है कि हमें चार्ज लेना है लोगों से बिना चार्ज कनेक्शन तो फ्री का होता है ना। हाँ, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि रोज के खर्चे लगे रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं, रनिंग एक्सपेंस तो नहीं, तो फिर वो उसमें कटौती की जाती है हर चीज में, और वो जो उनको मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला जाता। बिल्कुल, हमारे यहाँ चार्ज हमने 18 साल में हमने 3 बार सिर्फ चार्ज बढ़ाए हैं 250 रुपये, वरना इतना ही मेंटेन कर रहे हैं शुरू से 2000 रुपये से, उसके आचार की मिला कोशिश यही रहती है कि जरूरत नहीं है तो हम एक पैसा भी उनके ऊपर बर्डन नहीं डालें। उनको टीवी भी हम टीवी की सुविधा दे रहे हैं, उन्हें कपड़े हम धो के दे रहे हैं, मेडिकल की छोटी मोटी सुविधा दे रहे हैं, अच्छा खान पान देने की कोशिश रहती है, जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं वो सब हम उनको देने की कोशिश करते हैं। और क्या क्या और व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ पर, और क्या उनके लिए सुविधाएं आप लोगों ने रखी हुई हैं, जिससे कि जैसे आपने बताया कि कोई भी घर जाना नहीं चाहता, इसका मतलब है जो भी सुविधाएं हैं वो एक क्लास सुविधाएं होगी। अभी बुजुर्ग हैं तो उनको पढ़ने के लिए साहित्य की जरूरत होती है, आपने टीवी की फैसिलिटी आपने बताई, मंदिर जाने का मन होता है उनका या इंटरटेनमेंट का मन, तो इस सब चीजों के लिए हमने बातचीत में ये बात की कि हम ये व्यवस्थाएं रखते हैं, लेकिन क्या पर्टिकुलरली आप उनके लिए कर रहे हैं, प्लीज मुझे जरा बताएंगे ये सारी चीजें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, 15 हमारा बना हुआ है ये आश्रम। अच्छा, बहुत बड़ी जगह में, खुली जगह है, और हमारे वही बहुत बड़ा शिव मंदिर बना हुआ है, वेरी गुड, पूरी बहुत बड़ा शिवलिंग है, सभी श्याम आरती होती है, पूजा अभिषेक सब होता है, हमारी खुद की गौशाला है जिसमें 10 गायें हैं, बहुत चलने के वॉकवे वगैरह सब बने हुए हैं, रीडिंग रूम है, गेम्स वगैरह जहाँ से सारे न्यूज पेपर आते हैं, बुक्स वगैरह सब रहती है, गेम्स वगैरह इंडोर गेम है वो बैठ के वो लोग खेलते हैं, खेलते हैं, खेलने वगैरह लगी हुई है, टीवी का मनोरंजन तो है ही। और हमारे यहाँ पे जब लॉकडाउन नहीं था तब महीने में 2-3 प्रोग्राम होते थे ऐसे कि ग्रुप आते थे बच्चों के, लेडीज के, कुछ परफॉर्म करते थे, रखते थे, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखते थे, किसी तरह के प्रोग्राम हमारे यहाँ कम से कम महीने में 2 बार होते थे, 5 महीने से नहीं हो पाए तो उसमें करके कर लेते हैं, लेकिन त्योहार है दोनों नवरात्रि में 7 दिन 8 दिन डांडिया करना है, गरबा करना है, तो इस तरह के सारे चीजें लोग अपने आप से ही काफी इंजॉयमेंट के साधन उन्होंने सब कर रखे हैं, तो वो करते हैं और हम भी उनको जो सुविधा चाहिए वो देते हैं।
सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जो ये बुजुर्ग यहाँ आकर रहते हैं, तो इनके भीतर आपको क्या कभी ऐसे डिप्रेशन जैसे लक्षण भी दिखते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि परिवार वालों ने अलग से भेज दिया है, या वो खुशी खुशी आ रहे हैं? बहुत कई सारे लोग खुशी खुशी भी आते हैं कि नहीं, उनका घर में क्योंकि उनकी कंपनी नहीं है, यहाँ उनको कंपनी है, इसके लिए आ रहे। कुछ लोग इसके लिए आ रहे क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला घर में नहीं है। तो वो जो एक बिग सा लोगों का रिएक्शन होता है, बुजुर्गों को हमेशा ऐसे लगता है कि लोग उनके आसपास रहें, लोग उनकी उनके घर वाले उनकी देखभाल करें, तो क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये फील करते हैं कि लोगों ने उन घर वालों ने उनको बेकार समझकर यहाँ भेज दिया है, या उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, या उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं? इस तरह के जो भाव आते हैं बुजुर्गों के भीतर, उनको दूर करने के लिए क्या आप काउंसलर्स वगैरह को भी बुलाते हैं आपके यहाँ? कुछ केस इस तरह के हैं, आपने कहा सही कहा। हाँ जी, मजबूरी में आए हैं लेकिन नहीं आए, लेकिन यहाँ आने के बाद वो एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब यहाँ देखते हैं तो उनको अपने अपने हम उम्र लोगों में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, साथ में बैठ के सब होता है, तो उनको फिर एडजस्ट हो जाते हैं वो। ओके ओके। 2-4% लोगों के मन में एक ये अटक रहती होगी कि भाई मुझे यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है, मेरे परिवार में ही रहता, लेकिन अलग अलग तरह के कारणों से। लेकिन मैंने देखा हमारे जो विजिटर भी आते हैं, हमारे मित्र वर्ग वगैरह जाते हैं, तो वो देख के एक ही बात हमें कमेंट करते हैं कि इनके चेहरे पे हमको एक तरह का संतोष दिख रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दुखी है या ये पड़े गिरे हैं या कोई इनका ऐसा माहौल है, ऐसी हमको देखने में नहीं आता है। तो वो वही एक हमारी उपलब्धि है कि लोग। तो मैंने जैसे आपको पूछा कि कुछ काउंसलर्स वगैरह की भी कभी आवश्यकता पड़ती है, आपको पड़ी है कभी, आप बुलाते हैं कभी ऐसे इन लोगों को काउंसलिंग करने के लिए? आते हैं, एक दो बार हमारे यहाँ आए हैं, 4 सालों में आए। एक योगा टीचर आ रहे थे, बराबर हर संडे वो योगा का वो ले रहे थे, बराबर करा रहे थे, 50-50 लोग कम से कम उनका शिविर अटेंड कर रहे थे। मेडिकल कैंप बहुत सारे लोग आके करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, चेकअप करते हैं उनका। अभी 5 महीने से ये सब चीजें बंद है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्क मिलता है उनको, इसलिए लोग आगे से आगे उत्सुक रहते हैं कि वहाँ जाके हम अपनी सेवा दें, वहाँ जाके हम कोई। राइट राइट। क्योंकि इतना बड़ा आश्रम शायद मुंबई में कोई दूसरा कोई नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इतना खुला प्राकृतिक वातावरण और सारी चीजें, फैसिलिटी बहुत अच्छे। हमारे 2 किलोमीटर के परिसर में कम से कम 5-6 और वृद्धाश्रम होंगे, थोड़ी थोड़ी और चैरिटेबल, चार्जेस भी ज्यादा है, सुविधा भी। मैं आपसे सर एक और चीज जानना चाहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इनको बिजी रखने के लिए क्या कुछ इन लोगों से कुछ काम में भी इनको इन्वॉल्व करते हैं क्या, जिससे थोड़ी बहुत इनकी अर्निंग भी रहे और इनको ये अपने आप को ये यूजफुल मान सके कि मैं अभी भी अर्न कर रहा हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, इसके लिए भी आप इनको आत्मनिर्भर बनाने जैसे भी कुछ कार्य इन लोगों से कराते हैं क्या? हमने शुरू शुरू में कोशिश की, ज्यादातर लोगों का इसमें कोई इंटरेस्ट हमको दिखा नहीं कभी भी। ओके ओके। ऐसा कुछ हमने सिलाई मशीनें भी लाके दी, ऐसा किसी ने कुछ इंटरेस्ट ज्यादा दिखाया नहीं। हाँ, छोटा मोटा काम लोग करते हैं, महिलाएं कोई ने सब्जी वगैरह बना दिया, हाँ सुधार देती है, और 4-5 निवासी है जो कि मंदिर की पूरी उन्होंने जानकारी ले रखी है, सफाई करना, आरती करना, पूजा करना, अभिषेक करना, फूल तोड़ के लाना, कुछ है कि जो पानी चढ़ाना, ऐसे मतलब अपने अपने जिनमें कुछ एक्टिव लोग जो है उन्होंने कुछ कुछ कार्य ले रखे हैं, कई कई साल से हैं, और ऐसा समझ लिया कि तो यही हमारा सब कुछ है। उन्होंने अपने जिम्मे कुछ काम ऐसे ले रखे हैं तो वो अपने आप से स्वेच्छा से करते हैं। राजप्रिया जी, जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग में एक समान हो जाते हैं, तो बच्चे घर में बहुत बार झगड़ते भी हैं, तो क्या ऐसा कुछ यहाँ बुजुर्गों में भी होता है? बहुत ज्यादा होता है, महिलाओं में विशेष बहुत ज्यादा होता है। वो सारे मैटर्स है वो मेरी वाइफ दिव्या डील करती है। अच्छा अच्छा। समझाती है, जब वो 3-4 घंटे रहते हैं वहाँ तो वो घिरी रहती है उनसे, मैडम ऐसा हो गया, मैडम इन्होंने ये कर दिया, तो उनका रूम चेंज करवाती है किसी का। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी रूठने मनाने की प्रक्रिया यहाँ पर भी चलती रहती है, किसी को समझाती है, हाँ हाँ, वो कहती है मैं घर भेज दूंगी आपको,
समझेंगे तो इस तरह से करके और वो सब चलता रहता है। छोटी छोटी शिकायतें उनकी बनी रहती है, लेकिन वो जब ज्यादा होती है तो हम तक आती है, हम जाते हैं तुम्हारे सामने लाई जाती है और समझाते हैं उनको, कर देते हैं। अदरवाइज माहौल बड़ा सौहार्दपूर्ण सा रहता है, लोग मिलजुल के रहते हैं। जो क्वेश्चन मुझे आपसे सबसे पहले करना चाहिए था वो मैं सबसे लास्ट में कर रही हूँ आपसे, कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको ये वृद्धाश्रम खोलने के लिए प्रेरित किया? ये देखिए, वृद्धाश्रम मेरे पिताजी को आज से करीब 30 साल पहले प्रेरणा हुई, और वे लोनावला कहीं कोई ट्रीटमेंट के हिसाब से 15-20 दिन वहां रहे थे। प्रेरणा हुई कि मैं यहाँ पर एक वृद्धाश्रम लोनावला, तो बाकी उन्होंने हमें कहा कि मेरी इच्छा हुई है, उन्होंने अलग से इसके लिए ट्रस्ट बनाया और जगह वगैरह हमने देखी, बहुत जगहें देखी, तो कोई जगह हमें पसंद नहीं आती थी, कोई मुंबई से ज्यादा दूर थी, कहीं तो पानी नहीं था, साधन बराबर नहीं थे। तो ये प्रपोजल हमारे पास 2002 में आया कि इस तरह से वृद्धाश्रम के लिए काम शुरू हो, तो इसमें ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब हमने उसमें ज्वाइन करके उसको पूरा किया। और ये एक तभी मैंने और मेरी पत्नी ने प्रण ले लिया था कि अपने लाइफ टाइम इसको संभालेंगे, अपने को बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ये। लाखों लोग होते हैं लेकिन भगवान ने अपने को चुना है इस काम के लिए कि आज घर में अपने एक माता पिता की सेवा करने का मौका मिलता है, वो भी अगर लंबे समय उनका साथ अपने को मिला तो। अपने को तो इतने सारे बुजुर्गों की सेवा करने का मौका भगवान ने दिया है, तो अपने को बहुत अपने पुण्यवान है कि अपने को ये करने का मिल रहा है, जो अपने जीवन में इनके लिए कर सके। बहुत सुंदर बात कही आपने कि ईश्वर ने हमें चुना है, भाग्यवान है हम कि हमें ये कार्य के लिए ईश्वर ने चुना। बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत ही अच्छा विचार है ये। उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी और दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। अगर ऐसे सभी लोगों के मन में ये बातें आने लगे कि हमें लोगों ने ईश्वर ने चुना है इस विशेष कार्य के लिए, तो ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है हमारा कि हम ये काम कर पा रहे हैं। तो हर बुजुर्ग को अपने घर में भी सम्मान मिल सकेगा, अपने घर में भी प्यार मिल सकेगा, और घर के बाहर जाकर भी वो बहुत अच्छे से ये जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सर, आप घर में रहने वाले बुजुर्गों को इस वक्त के माहौल के हिसाब से कुछ विशेष राय देना चाहेंगे? घर के हमारे जैसे हमारे परिचितों में लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं आप आपकी भी मेरी भी 65 साल की उम्र है, इस उम्र में आप बाहर जाते हो, इतना ये सब काम करते हो, कोविड के टाइम भी मैंने सेवा के बहुत सारे काम किए तो देखा ही, लोगों ने कहा आपको ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने कहा भाई अपने अगर कुछ प्रिकॉशन रख के और काम करेंगे, बाहर जरूरत पे जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, मास्क लगाना, चीजों को नहीं छूना, वो सब करेंगे तो अपने को कोई जरूरत नहीं है कि इससे डर के अपने को अपने घर में कैद होके बैठ जाना है। तो वैसे ही सब मैं कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, जरूरत के लिए जाता हूँ, और मेरी एक्टिविटीज है वो भी जाके सेवा के दूसरे काम है मेरे जिम्मे वो भी देखता हूँ। तो उस तरह से अगर किया जाए और अपने शरीर की इम्यूनिटी को बराबर बरकरार रखा जाए कि भाई अपने कोई ऐसी चीज नहीं आएगी, स्टीम लेना है, काढ़ा पीना है, दवाइयाँ भी लेनी है, ठीक से खान पान करना है, नींबू वगैरह लेना है, अपने का जूस लेना है, तो ऐसे सब काम किए जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना कुछ नुकसान कर सकेगा। और अगर इसमें कोई भी चीज कमजोर है तो, और आपने लापरवाही की है तो हो सकता है कुछ हो जाए, वरना इससे डरने की जरूरत नहीं है। और चाहे वृद्ध है चाहे बड़े हैं, मेरे पिताजी भी हम देखते हैं कि वो बराबर अपना ध्यान रखते हैं, सब देखते हैं, तो कोई हमको ऐसी दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी कि प्रिकॉशंस के साथ अगर रहा जाए तो सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व की जा सकती है, जी सॉल्व बेहतर तरीके से हम रह सकते हैं इस माहौल में भी। आपने दो चीजों का विशेष उल्लेख किया, एक लौकी का जूस और एक नींबू। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि किस तरह से लौकी का जूस दिन में कितनी बार लेना चाहिए और किस समय लेना चाहिए, नींबू कितना लेना चाहिए? लौकी का नहीं, मैंने आंवले का जूस कहा, आंवले का जूस, ओके, मुझे लौकी का जूस, सॉरी। हाँ आंवले आते हैं हाँ जूस निकाल के मैं सवेरे एक बार लेता हूँ और उसमें करीब आधा गिलास कितना जूस एक बार में लेना चाहिए हमें आंवले का? चार आंवले का जूस निकाल के और उसमें हल्का सा नमक जाके और वो भी लेता हूँ, तो ओके आंवले में कम से कम भी 4 गुनी विटामिन सी है।
दूसरे गुड और चीजों के आंवले में सबसे अधिक, तो हमारे वृद्धाश्रम में भी आंवले के पेड़ हैं, मानते अच्छा, हैं। तो आपके वृद्धाश्रम में भी जो लोग हैं वो लोग भी आंवले का जूस रूटीन में लेते हैं? ओके लेते अच्छा, ओके 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 हैं। और तुलसी हमारे यहाँ पे बहुत लगी हुई है, मैं सबको कहता हूँ कि 5 फुट तुलसी की आपने से ही खा ली थी, चाय मैंने महाराज को बोल रखा है कि चाय में तुलसी की पत्तियां डाला करो, बहुत बढ़िया इस समय है। सर वो काढ़ा हम देख सकते हैं क्या, अगर आपके पास अवेलेबल है जो काढ़ा आप आपके वृद्धों को दे रहे हैं इस वक्त? मेरे तुरंत मेरे पास नहीं है, ओके का बहुत बढ़िया काढ़ा है ये, संस्था है वहां पर, उसी में डेवलप किया गया है, बहुत बढ़िया बनाया गया है। और सर आप इनके वृद्ध लोगों के एक्सरसाइज योगा वगैरह का भी कुछ व्यवस्था की है आपने, कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस उनको दे रखे हैं कि रोज इतना एक्सरसाइज करना ही है, इतना योगा करना है या वॉक करना है? वॉक वगैरह सब लोग करते हैं कि बारिश में कम कर पाते हैं, लेकिन वॉक हमारे यहाँ अच्छी वॉक में बने हुए हैं, तो जो बाहर भी जाते थे सड़क पे भी जाते थे वॉक करने, अब उनको रोक रखा है ग्रीन हाउस, इतनी इतनी वॉकिंग की जगह है कि अगर हम उतनी भी वॉक कर लें तो कोई कम नहीं है, लेकिन आधे लोग ही वॉक करते हैं जो कर पाते हैं, अधिक लोग से होते हैं कि जो ज्यादा नहीं चल पाते हैं। चल पाते हैं। हमारी कंडीशन रहती है कि आपके जो रहने की जगह है वहां से आपको भोजन ग्रह में 3 बार आना ही होगा, सवेरे ब्रेकफास्ट के लिए, फिर लंच के लिए, फिर डिनर के लिए, 3 बार तो आपको वहां पर चल के आना ही है। तो सब लोग आते हैं वहां से मरम मरम अपनी पसंद का जरूरत का उतना भोजन करते हैं, तो उतना तो भी कम से कम उनका चलना रोज होता है, लेकिन लोग तो ज्यादा चल पाते हैं कुछ कम चल पाते हैं, तो योगा वगैरह भी कुछ अपने आपसे करते हैं। सर कुछ और खास विशेष बात जो आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इतने सारे वृद्धों को संभालना और वो भी कोरोना के पीरियड में उनको एकदम स्वस्थ रख पाना, आप जिस तरह से रख पाए वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो आपने बताया कि आंवले का जूस, उनको काढ़ा देना, उनके खान पान का ध्यान रखना, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें तो थी, लेकिन मॉरल आपने जो उनका एक हाई रखा उसके लिए रोज आपका आना, और इसके अलावा भी कुछ और ऐसा अरेंजमेंट्स आपने किए थे जिसने इन लोगों को बेहतर तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया? हमारे निवासियों ने पूरा सहयोग दिया इसमें, हमें हाँ जी कुछ हमें गलत अनुभव भी हुए, घर वालों ने कुछ लोगों ने हमें सहयोग नहीं दिया, ओके जब उनकी तबीयत खराब हुई हमने उनको बताया, उन्होंने बातें की कैसे आएंगे, लॉकडाउन है नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, ओ तो हमें हमें थोड़ा हुआ कि मानवता क्या नहीं रही है लोगों में, तरह का जवाब दे रहे हैं। तब एक वृद्ध के लिए हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, हमारे से जो हो रहा है वो हम सब कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज आ जाइए, ज्यादा समय नहीं है उनके पास, फिर भी वो नहीं आए, फिर उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उनको हमने खबर की तो भी वो नहीं आए, फिर हमने उनका अंतिम संस्कार किया, तो कुछ ऐसा मन में फीलिंग आई कि लोगों में मानवता क्या नहीं रही है, या लोग इतने ज्यादा निष्ठुर हो गए हैं कि ऐसे समय में भी, अभी 8 दिन पहले भी एक निवासी के पिताजी सीरियस हो गए थे, उनको बहुत कहा, उन्होंने कहा नहीं देखिए देखते रहिए आप देखते रहिए, हमारे मैनेजर ने बहुत कहा कि नहीं तबियत ठीक नहीं है आप आइए एक बार आइए, आप बोले हम आके क्या करेंगे आप देखिए, फिर उनके डेथ हो गई। तो तरह से लोगों के काफी लोगों के मन में अभी तरह के भी विचार आ गए, किसी का भी जो होना होगा हो जाएगा, अपने क्या करेंगे या क्या चल के जो परेशानी मोली है जो होना होने दीजिए, तो ये सब थोड़ा सा मन को बड़ा फील होता है कि क्या लोग अंतिम समय में अपने माता पिता के लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते या इतना भी नहीं कर सकते, जो भी मजबूरी हो लेकिन उसमें भी एडजस्ट करके उनको करना चाहिए, उन्होंने अपनी जवाबदारी महसूस नहीं कर पाए। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हमारा हमारा तो यही लोगों को निवेदन है कि भाई माता पिता की सेवा है या परिवार में जो भी बुजुर्ग है उनकी सेवा करने का मौका मिला है तो करो, और ऐसे अंतिम समय में तो जरूरी करो, बाद में हो सकता है कि मन में रह जाएगी कि भाई अपन ने उस समय नहीं किया उनका आगे,
अगर उनकी सेवा की होगी, उनको संतुष्टि दी होगी, तो मन में एक तरह का संतोष रहेगा, तसल्ली रहेगी कि अपने से जो बन पड़ा अपन ने किया क्या, कोई अपने उनकी कमी नहीं रखी, और नहीं करा करते हैं तो भी। मैं समझ सकती हूँ कि खुद आप इस तरह की जितनी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनकही रहें तो बेटर होती हैं, शायद ना कही जाएं तो बेटर है। लेकिन आपका ये लोगों से ये अपील मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितनी हो सके अपने घर वालों की सेवा करें, जितना हो सके उन्हें प्यार दें, जितना हो सके उनको मान दें, इज्जत दें, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि हमें चुना है ईश्वर ने सेवा करने के लिए। कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग तो हम बहुत सारे लोगों के माता पिता तो उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते कि उनकी सेवा का मौका हमें मिले, तो बहुत ही अच्छी बात ये आपने कही। और उनका साथ मिलता है, जैसे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इस उम्र में भी मेरे पिताजी का साथ मिला हुआ है। हमारे चार जनरेशन में मेरा मेरे पिताजी, मेरा बेटा, मेरा पोता, हम सब साथ में रहते हैं। तो ऐसा ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, सब हो रहा है और ऐसा ही चलता रहे, उनको अधिक से अधिक साथ हमें मिलता रहे। तो यही सोचना चाहिए हर एक को कि भाई हमारे घर में बुजुर्ग है तो कोशिश करें कि वो ठीक रहें, संतुष्ट रहें, उनके मन को कोई तकलीफ नहीं हो, तो वो उनका आशीर्वाद ही मिलेगा। बहुत ही बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी, तो एक तो बुजुर्गों की किस तरह से इस पीरियड में देखभाल की जाए उसकी भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। छोटी छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उनको बिजी रखा जाए, उनके लिए खाने की उचित व्यवस्था की जाए, मास्क वगैरह का उचित बंदोबस्त किया जाए, घर में ही उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी इस बातचीत से जो लोग परेशान है इस वक्त, की बुजुर्गों को किस तरह से टैकल किया जाए, तो उनकी ये समस्या जरूर सॉल्व होगी। और आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं इतना अच्छा काम करने के लिए, बहुत सारी हार्दिक बधाई। और मैं चाहती हूँ कि लोग आपसे प्रेरित हों और अब एटलीस्ट कम से कम अपने घर के बुजुर्गों की सेवा अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण 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 नारायण।